हेलो एवरीवन, दिस इज धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश वन मेंटल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हम जो पैरेललोग्राम्स होते हैं उनमें एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं और उनकी जो लेंथ है, साइड्स की जो लेंथ है वो कैसे देखते हैं। ठीक है, अब हम मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि एक टाइप के आकार का एक पैरेललोग्राम होता है, इसमें ऐसा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसमें क्या होता है, ये दोनों ही साइड्स इक्वल होती हैं और ये दोनों इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल नहीं होती है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो स्पेशल पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं होमस। ठीक है, अब इसकी जो है चारों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और ये एंगल्स इक्वल होते हैं और ये एंगल्स इक्वल होते हैं। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सेम चीज होती है, ये एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, और ये एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्या, रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल को आप सब लोग जानते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, एक इस तरह से रेक्टेंगल होता है, ठीक है, इसमें ये जो है वो इससे इक्वल होती है और ये जो है ना वो इस साइड साइड की इक्वल होती है, ठीक है, और इन सारे जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, एक्स डिग्री के होते हैं। मतलब अगर एक एंगल हमको पता है तो सारे एंगल हमको पता होंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, रेक्टेंगल भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये जो रेक्टेंगल है इसको आप देख रहे हैं, इसमें जो एंगल होगा, ठीक है, वो 90 डिग्री होगा। x डिग्री मतलब क्या होगा, 90, ठीक है। इसमें भी अगर सपोज ऐसे होता है ना, उनके पास जो हमने पहले भी देखा था इस तरह से, तो इसमें क्या होता है, इसके ऊपर में ये होता है, इसके ऊपर में वो होता है, 90 डिग्री होते हैं ये दोनों, 90, ये सारे 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, तो ये भी रेक्टेंगल ही है, ठीक है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी इसके बारे में, आगे बात करता हूं मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, तो ये ट्रायंगल समझाता है, ऐसे ही सपोज ये वाला जो पार्ट है उसको छुपाइए आप, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला पार्ट इस तरह से, ये और ये वाला पार्ट पूरा एक ट्राइंगल है और ये वाला एक पार्ट पूरा एक ट्राइंगल है, ठीक है। और आप इसको थोड़ा सा और बात करते हैं वहां भी, तो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट इस तरह से, तो मतलब ये वाला सेपरेट ट्राइंगल है और एक वाला ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला सेपरेट ट्राइंगल, मतलब किसी भी एंगल से देखा होगा तो आपको दो ट्राइंगल्स इसमें दिखाई देंगे, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में क्या है, इस ट्राइंगल में कुछ नहीं है, ये जो है आपका बेस हो जाएगा, ये आपकी हाइट हो जाएगी, ये आपका डायगोनल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो होगा वो एक एंगल को है ना वो आपका 90 डिग्री होगा, जो बेस और लेंथ के हाइट के जो एंगल बेस और जो हाइट एंगल बनाएंगे, ठीक है, वो आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर भी क्या होता है, रेक्टेंगल ही होता है लेकिन उसमें एक खास बात यह होती है, इसमें क्या है, इसमें चारों साइड्स, फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इसमें सारी साइड्स आपकी इक्वल है, ठीक है। सपोज कीजिए ये x सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी x सेंटीमीटर होगी और ये भी x होगी और ये भी x होगी, ठीक है, और साथ में इसके जो चारों एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल ये एंगल और ये एंगल है ना, वो सारे क्या होंगे, एक ही होंगे, मतलब सेम होंगे। तो आप समझेंगे कि इसमें जो एंगल्स थे वही सेम एंगल इसमें है ना, तो
उसको समझ लीजिए कि एंगल्स क्या होंगे आपके, 90 डिग्री, एक एंगल क्या हुआ 90 डिग्री का हुआ, ठीक है। इसमें भी सेम चीज है कि अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, इस तरह से डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या होंगे इसमें भी हमारे ट्राइंगल्स बनेंगे, दो ट्राइंगल्स मिलकर क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, सॉरी स्क्वायर बनाएंगे, ये स्क्वायर है और वो रेक्टेंगल है, समझ आइए आप दोनों ने कितने दिख रही है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 है, यहाँ पे देखिए स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स दिए हैं, क्या है ऑल रेक्टेंगल्स आर रिक्वायर्स, जो सारे रेक्टेंगल्स हैं क्या वो स्क्वायर हो सकते हैं, नहीं नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, आप देख लीजिए स्क्वायर कौन सा है, ये है, ये स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है, इसमें चारों साइड इक्वल नहीं है और इसमें चारों साइड इक्वल है, ठीक है। ऑल काइट्स आर होम बेसिस, तो मैंने आपको बताया था काइट्स और होम बेसिस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, कि काइट्स की सिर्फ ये इक्वल होगा, ठीक है, ये और इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, इसमें चारों साइड इक्वल नहीं होंगी, जो होम बेसिस हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, उसमें चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। ऑल होम बेसिस आर काइट्स, जो ऑल होम बेसिस हैं वो काइट्स होंगे, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, हाँ ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि काइट्स ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है ना, इस तरह की काइट्स भी होती है, तो बिल्कुल हो सकता है। ऑल स्क्वायर्स आर होम बेसिस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, ऑल स्क्वायर्स आर, जो ऑल स्क्वायर्स हैं वो होम बेसिस हैं, ये स्क्वायर है ना, ये होम बेसिस है और रेक्टेंगल भी है, यस ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा करोगे ना, इस साइड से देखोगे ना ऐसे, तो उसकी फोर चारों साइड इक्वल है, ठीक है, और ये बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट देखिए आप, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रैपेजियम, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रैपेजियम, तो ये आपको लिए होमवर्क है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी लिए आपके होमवर्क हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपको कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो मेरे लिए चैप्टर मिस हो चुका है, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड स्टे होम स्टे सेफ।